खाद्य पदार्थों में मिलावट करके आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सघन जांच अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत मोबाइल लैब के जरिए रेलवे प्लेटफार्म पर बिक रही खाद्य सामग्री की जांच की गई। इस दौरान रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया की टीम ने खाद्य सामग्री की जांच प्रारंभ की। मोबाइल लैब के जरिए खाद्य सामग्रियों के रॉ मटेरियल की टेस्टिंग की गई। जांच के दौरान रेलवे के अधिकारी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि FSSI के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत दिए जाएंगे। जनता की सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन भी सचेत है। ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा FSSI जो है, तो जो मानक हैं उनके अनुसार ये लोग अपना प्रमाणित करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, और जो रॉ मटेरियल या जो खाद्य सामग्री स्टेशन में पाई जाती है वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है, उसके आधार पे उसको प्रमाणित करते हैं, ताकि और एक ईटाइट का सर्टिफिकेशन देते हैं। तो इसके पश्चात ये पता चल जाता है कि जो सामान या सामग्री बांटी जा रही है, खाई बेची जा रही है स्टेशन पे, वो शुद्ध है, कितनी गुणवत्तापूर्ण है। सर, इसमें क्या क्या जाँच हो सकती है? इसमें दो तरीके की जाँच है, एक तो रॉ मटेरियल की जाँच है और एक सामान बनने के बाद की जाँच है। तो अभी पहला प्रयोग जो कर रहे हैं ये रॉ मटेरियल की जाँच कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिलेगी स्टेशन पे। हम अपने यात्रियों को चाहते हैं कि जैसे स्टेशन पे अच्छे से अच्छी सामग्री मिले, ताकि स्टेशन का यात्री जो उसको पे कर रहा है उसको गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, ताकि स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव ना पड़े। जांच के दौरान खाद्य सामग्री के वेंडर्स के बीच हड़कंप मचा रहा। जांच करने वालों ने कहा कि जांच का कार्य 2-3 चरणों में पूरा होगा। जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा।